कोई चीज भूल तो नहीं रहा मैं। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो जो है आप लोग बंद कर दे अपने एंड पे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले कुछ चीजें कर लेते हैं। या किसी ने ना मुझे लास्ट टाइम एक चीज बताई थी कि ये जो इसका जो पॉपअप आता है जूम का, इससे कैसे, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट ना। अच्छा खैर, मैंने इसको नीचे कर दिया ड्रैग, तो आई थिंक दिस शुड बी फाइन नाउ। हाँ, होपफुली। हाँ ठीक है। अच्छा भाई, इस बार क्वेश्चंस की ये लिस्ट लो, सबको एक क्वेश्चन पूछने की इजाजत है। अगर और क्वेश्चंस हैं, मैं आज सुबह कोई 11 बजे से लगा हुआ हूँ, स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, सही है, चैट पे, वॉइस पे, वॉइस नोट्स पे, जिस तरह भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। सब लोग प्लीज ये लिंक ले लो, ठीक है, चैट पे डाल रहा हूँ मैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इधर ही जो है, क्रैप क्या मसला है या? तो इधर ही जो है हम वो कर लेते हैं। चैट विंडो सामने आप लोग की कोई बात होगी तो मैं यहाँ नजर डाल रहा हूँ मुस्तकिल, ताकि मैं देख सकूँ। प्लीज डू नॉट माइंड अगर मैं साथ में पकोड़ा पी रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता खाना पीना साथ में, लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज 2-3 घंटे की जब क्लास होती है तो काफी एनर्जी ड्रेन होती है। सो या खैर, तो ये आप लोग को लिंक मिल गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, प्लीज डूडल नहीं करें मेरी स्क्रीन पे। इसको जो जिसने भी करा भाई, ये रब कर दे, इसको हटा दे। थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इससे पहले स्टार्ट करूं और एक्चुअल उस पे आऊं। अच्छा, क्वेश्चंस लिखने भी स्टार्ट कर दिए, चलो गुड है, गुड है, गुड है, लिखो लिखो, कोई मसला नहीं। अच्छा देखो, मैंने ग्रुप में काफी लोगों को पढ़ा, मैंने वहां पे लोगों को इश्यूज हो रहे हैं इस वाली टेक्निक के ऊपर। वो बोल रहे हैं कि जब हम हाइगो शॉप पे जाते हैं, या जो भी आप जिस वट एवर वे यू वॉन्ट टू स्पेल दैट शॉप, उनको जो है नजर नहीं आ रहा है इनिशिएट चेकआउट का जो कंटेंट आईडी है ड्रॉप डाउन में, तो क्या किया जाए इस पर। इस पे करा ये जाए कि फिर आप ये करें कि आप किसी और वेबसाइट पे जाइए। आई होप जितने भी बीबीसी के स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन रहे हैं, और हमारे जो अभी ये ईसी BC 1-1 अगर कोई लीड का बैठा हुआ है वो लोग भी सुन रहे हैं कि भाई प्लीज कोशिश ये करें कि अगर आपका हाइगो शॉप पे नहीं हो रहा तो आप किसी और ड्रॉप शिपिंग साइट पे चले जाएं। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ ये होता क्यों है। ये होता यूँ है कि जब आप चेकआउट पे चले जाते हो
तो बैक एंड पे कैशे में फेसबुक सेव कर लेता है कि आपने एक प्रोडक्ट ऐड करा हुआ था चेकआउट पे, और फिर से वो उसी सेम इवेंट को फिर से ट्रिगर नहीं करता। समझने की कोशिश करें, एट्रीब्यूशन विंडो क्या होती है? फेसबुक की एट्रीब्यूशन विंडो होती है 7 days की, 7 दिन। मतलब कि अगर 7 दिन के अंदर किसी ने कोई प्रोडक्ट चेकआउट करा है, आज मैंने चेकआउट करा, लेकिन 7 दिन के अंदर मैंने उसको 7वें दिन पे मैंने खरीद लिया या 5वें दिन पे जाके खरीद लिया। अब जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो फेसबुक एड्स पे वो चीज रिफ्लेक्ट होती है उनके डैशबोर्ड पे, एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे। मैं तुम लोग को एज एन एग्जाम्पल दिखा दूं ताकि तुम लोग को क्लैरिटी मिल जाए, इज दैट ओके? ताकि मैं तुम लोग को बता दूं कि इस टेक्निक के पीछे असल में पूरा वो टेक्निकल, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा आई गिव यू एन आइडिया कि चल क्या रहा है। ठीक है, आई होप यू गाइस कैन सी माई स्क्रीन। अच्छा, तो ये MCB आरिफ हबीब का एड अकाउंट है, और आप ये देख सकते हैं कि हम लोग का जो पर डे बजट है वो तकरीबन $1,500 हम लोग खर्च करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये दोनों एक्टिव कैंपेन्स हैं, $1,500 खर्च करते हैं। लाइफ टाइम अमाउंट स्पेंड कोई हम लोग 1,30,000 $31,000 लगा चुके हैं। अब आप ये देखें कि इस पे जो इवेंट हमने लगाया हुआ है वो मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन का ही, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है ना। चेकआउट इनिशिएटेड कौन सी वेबसाइट पे होता है? ई कॉमर्स पे होता है। परचेस यूजली सिर्फ ई कॉमर्स पे नहीं, उस पे भी होता है आपका। एक सेकंड रुकिए, मतलब व्हाट्सएप बंद कर दूं, मुझे मुस्तकिल नोटिफिकेशन आई जा रही है। परचेस इवेंट जो है वो सर्विस वेबसाइट्स पे भी होता है। तो इनिशिएट चेकआउट एड टू कार्ट का इवेंट हमारी साइट पे तो नहीं है, लेकिन मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन हमने कस्टम इवेंट बनाया हुआ है। आप कस्टम इवेंट्स भी बना सकते हो और उनको रजिस्टर करवा सकते हो फेसबुक पे। तो अगर आज कोई मेरी वेबसाइट पे आया और उसने अपनी ऐप से रजिस्ट्रेशन करी है, मेरी ऐप की मतलब ऐप रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसने साइन अप कर लिया ऐप पे, तो मेरा एक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। उस साइन अप जी वो मेरे पास आ गया, मैं कह रहा हूँ शेयर फिर से। सही हुआ? सही, एक सेकंड रुकिएगा जरा। पता नहीं है वेबसाइट अभी नहीं चल रही है, क्या चक्कर है? नहीं चल पड़ी, चल पड़ी। ओह ओके, ठीक आई गेस हमारी जो साइन अप वाला सेक्शन है उस पर शायद आईटी काम कर रहा होगा जिस वजह से बंद है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो इवेंट ट्रिगर्स होते हैं ना, चेकआउट इनिशिएटेड, ऐड टू कार्ट और ये सारी चीजें, ये पेज के ऊपर होते हैं। जो चेकआउट का पेज है फेसबुक उसको ऐसे रीड कर रहा होता है कि ओके, चेकआउट के पेज पे आने का मतलब ये कि ये चेकआउट पे आ गया है अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए शॉप को, और मैं इस वजह से ये इवेंट ट्रिगर करता हूँ और उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ हमारे डैशबोर्ड पे। फॉर एग्जाम्पल, ये समझे यहाँ पे लिखा हुआ है पर मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे समझ लें आप ये बात 2 सेकंड के लिए,
यहाँ पे पर मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन की जगह चेकआउट इनिशिएट लिखा हुआ है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा ना और कोई एक बंदा चेकआउट के पेज पे आता तो यहाँ पे वन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वही बंदा फिर से आएगा उस साइट के ऊपर तो टू लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि फेसबुक की एट्रीब्यूशन विंडो जो होती है वो आप 7 दिन तक रखते हो ऑन एन एवरेज। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मतलब 7 दिन की एट्रीब्यूशन विंडो रहती है। मतलब फेसबुक अगर किसी बंदे ने आज चेकआउट इनिशिएट करा है लेकिन वो आज नहीं खरीदता, खुद से वो वेबसाइट पे आता है और 4 दिन बाद आके खरीद लेता है, तो तुम उसको एक चेकआउट इनिशिएट काउंट करना। हाँ, 7 दिन के बाद वो फिर से आएगा साइट के ऊपर तो फिर उसको 2 काउंट कर लेगा। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन विंडो, ठीक है। तो अब सवाल आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि आप लोग के पास इनिशिएट चेकआउट क्यों नहीं आ रहा। आप लोग के पास इसलिए इनिशिएट चेकआउट नहीं आ रहा बिकॉज आप लोग ने मल्टीपल टाइम्स उस वेबसाइट को विजिट करे जा रहे हो और आप उस इवेंट को बार बार रिफ्रेश कर रहे हो, रीसेट कर रहे हो जा जाके उसी पेज पे। वो इवेंट एक बार ट्रिगर हो गया उस दिन जिस दिन आप लोग को उस वेबसाइट पे लेके गया था। अगर आपने ऐड टू कार्ट करा था और आप इनिशिएट चेकआउट पे गए थे तो आपने वो इवेंट ट्रिगर कर दिया। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। तो वो इवेंट ट्रिगर फिर से ट्रिगर नहीं होगा, अब वो इवेंट ट्रिगर होगा किसी और नई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के ऊपर। जिनको समझ नहीं आया ना वो एक बार इसी क्लिप को जब अपलोड हो जाए फिर से देख लें, आई एम श्योर उनको समझ आ जाएगा। जिनको समझ आ गया टू सम एक्सटेंट वो वन दबा दें। चलें ठीक है, सही है, मैं समझ गया। जिनको समझ नहीं आया वो एक बार और देख लें, उनको समझ आ जाएगा। मैं आपको वैसे किसी पुरानी कैंपेन से शायद दिखा भी पाऊं एट्रीब्यूशन विंडो का एक थोड़ा आइडिया कि कहां से आप सेलेक्ट करते हो। इन एट्रीब्यूशन विंडोज को आप एडिट भी कर सकते हो। गूगल की एट्रीब्यूशन विंडो अप टू 30 डेज जाती है, सही है। कन्वर्जन विंडो देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है, ये होती है एट्रीब्यूशन विंडो। Select the amount of time typically takes for someone to complete an app event after clicking or viewing your ad. We use data generated using this time frame to optimize ad delivery. For example, if conversion window is 1 day, we'll optimize by using data for conversion. ये सब सारी बात छोड़ें, लेकिन यही होती है असल में। ये this is the main attribution window जो आप select करते हो, ठीक है? तो this is the gist of it. I hope आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग को जिनसे नहीं हो रहा उनको समझने की जरूरत है, उनको किसी और नई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे जाने की जरूरत है ताकि वो ये वाली टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकें। आखिरी चीज इसी टेक्निक से रिलेटेड, मैं अभी 2-3 हफ्ते पहले ईसी के ऑफिस गया था। लास्ट हफ्ते तो बंद था। पहले तो वहां पे आतिफ के साथ में बैठा हुआ था तो उसने बोला यार ये भी कर दो, तो मतलब मैं उसको मेरी स्क्रीन स्टक वैसे एक जगह पर ही है, कुछ किया नहीं है मैंने। मेरी स्क्रीन स्टक तो नहीं हुई? ओके, अच्छा अभी मैं उस्मान आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो ऐसे ही मैं उस फिर से ट्राई करके दिखा रहा था, तो एक बार मैंने ये टेक्निक करी तो नहीं हुआ, मतलब न्यूज फीड पे जो है ड्रॉप शिपिंग की वीडियोस नहीं आ रही थी। फिर 2 बार करी, नहीं आ रही थी। फिर 3री बार जैसी करी एकदम जो है ना फ्लड होना शुरू हो गया। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप ऐसा भी हो सकता है विद टाइम खत्म हो जाएं, और अगर खत्म हो जाएं तो फिर आपको क्या करना है, आपको यही टेक्निक डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ बार बार एग्जीक्यूट करते रहनी है ताकि ये आपकी न्यूज फीड फ्लड रहे। जी एग्जैक्टली। अच्छा उस्मान की सवाल ये है कि फेसबुक को पता कैसे चलता है कि ऐप इवेंट ट्रिगर हुआ है या ऐड टू कार्ट पेमेंट ट्रिगर हुआ है या चेकआउट ट्रिगर हुआ है। इसका सिंपल आंसर यह है कि आपने अपनी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल लगाया हुआ होता है, जिसकी वजह से जब इवेंट ट्रिगर होता है फेसबुक को पता चल जाता है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप जब आपका ये वाला फेसबुक पिक्सल हेल्पर ब्लू हो जाए तो इसका मतलब कि इवेंट ट्रिगर हुआ हुआ है या हो गया है, ठीक है। सो That's how to go about it. Okay. चलें अब आ जाते हैं उसके ऊपर। ये Facebook ads and info वाले टेक्निक मैंने आप लोगों को बता दी थी।
यस जी, एक तरीका ये भी है कि अगर आप लोग कैशे क्लियर कर दें, कुकीज एंड कैशे अपने क्लियर कर दें और फिर आप जाएं उस वेबसाइट पे, तो आपका फिर से वो इवेंट आ जाना चाहिए. ठीक है, दैट्स अनदर वे टू गो अबाउट इट. ओके, तो मैंने ये वाला तरीका आप लोग को बता दिया था कि आप लोग को जब एक बार बहुत ज्यादा फ्लड होना शुरू हो जाए आपकी न्यूज फीड, तो आप लोग अपनी न्यूज फीड पे जाके जो है ना चेक कर सकते हैं वो डिफरेंट सोशल प्रूफ का तरीका मैंने आप लोग को बताया था. आई वॉन्ट गो थ्रू इट, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. अगर मैं बार बार एक ही टेक्निक बताऊं, आई विल हेड ऑन. ठीक है, अब आ जाते हैं myip.ms. मुझसे किसी ने हमारे ईसी के ईसीबीसी के ग्रुप में पूछा था कि सर मुझे बहुत सारी साइट्स देखनी है जो मेरे ही निश में काम कर रही हो. सॉरी मेरी जरा, हाँ, जो मेरी ही निश में काम कर रही हो, मुझे एक आइडिया लेना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, या दूसरी कितनी ड्रॉप शिपिंग साइट्स हैं. आपने मुझे एक तरीका तो बता दिया कि इस तरह साइट्स और मतलब ड्रॉप शिपिंग के जो एड्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दे कैन ओनली बी सो मच जो ऑन अ गिवन डे आपको नजर आए. लेट्स सपोज आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई सेल्फ बहुत ज्यादा के रोज में सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग ही नहीं बल्कि साइट्स वेबसाइट हंटिंग भी कर रहा हूँ कि यार आई वॉन्ट टू सी ऑल द डिफरेंट वेज के लोग किस तरह एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने अपने स्टोर के ऊपर, लुक एंड फील क्या दे रहे हैं, एक निश स्पेसिफिक स्टोर क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर क्या होता है, जो कि हम लोग बाद में लेटर ऑन कवर करेंगे. आज का सिर्फ खत्म हो जाएगा आज का टॉपिक प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर. तो मैंने उसको बोला था कि जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड दैट थॉट राइट देयर. इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है ही सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर. तो इस टेक्निक में हम लोग तीन से चार चीजें असल में यूज कर रहे होंगे. ये टूल्स हैं myip.ms, ये वेबसाइट है, हम लोग सिमिलर वेब यूज कर रहे होंगे और हम लोग कॉमर्स इंस्पेक्टर यूज कर रहे होंगे. तो आप करते क्या हो, यू कैन गो थ्रू ऑल द शॉपिफाई स्टोर्स इन द वर्ल्ड एंड देन डू मैनुअल स्टोर निश रिसर्च. ग्रेट फॉर जनरेटिंग आइडियाज, यूज इट विद क्रोम एक्सटेंशन, सिमिलर वेब एंड कॉमर्स इंस्पेक्टर. 150K प्लस ऑडियंस, इसका मैं तुम लोग को जो है ना अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ क्या मतलब है इसका. यूज अली हंटर टू एनालाइज सप्लायर परफॉर्मेंस. तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर एक ही प्रोडक्ट 100 सप्लायर्स बेच रहे होते हैं, मुझे कैसे पता चले कि कौन सा सप्लायर अच्छा है कौन सा बुरा है. अली हंटर इंस्टॉल, मैंने आप लोग को पहले दिन बोल दिया था कि सारे टूल्स याद से इंस्टॉल कर लें, मैं फिर आप लोग को इसके ऊपर और इन डेप्थ जाके सारी चीजें समझा रहूंगा. चलें अब मैं आप लोग को ये टेक्निक दिखा देता हूँ करते ही कैसे काम. तो पहले गए हम myip.ms पे, ठीक है, फिर हमने ये आईपी कॉपी करी. अब सवाल ये है कि ये आईपी है किसकी, 23.227.38.0, ये शॉपिफाई की अपनी आईपी है, सही है, 23.227. ये आ गया, वैसे भी मैंने करा हुआ है ये. ठीक है, 23.227.38.0. ठीक है, एंड आई विल लुक दिस अप. जैसे ही लुकअप करा मैंने, आई कुछ गलती हुई है मुझसे बहुत बड़ी. 23.227 Shopify IP. मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, लेट मी चेक अगेन. हाँ एग्जैक्टली हो गया, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत आईपी लिखी हुई है, ये आई नीड टू चेंज दिस, इग्नोर दिस. ठीक है, मैं एक सेकेंड इसको यहीं पे हाथ के हाथ चेंज कर देता हूँ, ताकि क्योंकि बीबीसी के स्टूडेंट्स भी देखेंगे, आई डोंट वांट कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो. ठीक है, 38.65 एग्जैक्टली. ओके या ठीक है, मैंने ये करा तो मेरे पास आना शुरू हो गया कि शॉपिफाई की आईपी है. अब मैं इस पर क्लिक करूंगा अदर साइट्स ऑन दिस आईपी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा.
आई एम ह्यूमन, आई एम ह्यूमन करने के बाद मैं नीचे आऊंगा तो Shopify पे जितने भी स्टोर्स खुले हुए हैं वो सब मेरे सामने आ जाएंगे, सब के सब। और टोटल स्टोर्स जो Shopify पे खुले हुए हैं वो 183,223 हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे स्टोर्स ड्रॉप शिपिंग के हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जितने भी आप यहाँ पे लिंक्स देख रहे हैं इनमें से ऑलमोस्ट 70% जो है वो ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, नाउ यू विल क्लिक ऑन व्यू ऑल रिकॉर्ड्स एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट आप जाओगे और यहाँ पे आपके पास एक के बाद एक बहुत साइट्स नजर आ जाएंगी। इफ यू जस्ट क्लिक ऑन सम मे बी आपको कोई एक ड्रॉप शिपिंग साइट नजर आना शुरू हो जाए। यू रियली कांट टेल कि कौन सी एक्टिव है कौन सी नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू जस्ट के मतलब लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कैट्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि सर हमें कैसे पता चले कि ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है कि नहीं, मुझे कैसे पता चले। मतलब एक कोई प्रॉपर ब्रांड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स जस्ट चेक के अगर मुझे कोई नजर आती है तो मैं आप लोगों को फिर बताता हूं। ठीक है, अब ये आइए, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत अच्छी साइट है या कोई चीज, लेकिन अब आप लोग को ये जानना है कि ये साइट जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आए हैं, आई एम नॉट सेइंग येट अगेन, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन कि मैं ये नहीं कह रहा कि साइट बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी पुअर साइट, बहुत बुरी साइट है दिखने में और सब कुछ, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इससे यू कैन कम अक्रॉस, मैंने अपना जो मेन कीवर्ड है वो लिखा है इसकी वजह से। ओके वेट वन सेकेंड, मैं दिखा रहा हूँ ओके इस कीवर्ड सही हो गया। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा ओके तो इस कीवर्ड के ऊपर जो मैंने लिखा है मेरे पास सारी शॉप्स आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज अगर ये पहली साइट है एंड आई जस्ट वांट टू सी कि इस साइट के ऊपर ये मैं इसको अलग से खोल रहा हूँ साइट को कि वेदर और नॉट दिस इज ड्रॉप शिपिंग साइट और नॉट। सही है, तो मैं करूंगा ये कि मैं किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर जाऊंगा, let's suppose this one right here, ठीक है, cat paw socks and other animals, right click करा, right click करने के बाद search goods on AliExpress by this image, जब मैं इस पर click करूंगा तो अगर ये product AliExpress पे exist करता होगा you will know कि ये बंदा drop shipping कर रहा है and as you can see कि ये product exist करता है AliExpress पे। ठीक है, आप इसी के बाकी प्रोडक्ट्स को भी सर्च करके देख सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा दो तीन प्रोडक्ट्स को सर्च करके कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अगर है अली एक्सप्रेस पे तो आई एम श्योर कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ठीक है, सो मैं फिर बता देता हूँ एक बार, सबसे टॉप पे जाना है। ठीक है, सबसे टॉप पे जाने के बाद आपको फुल पार्ट वेबसाइट नेम के ऊपर लिखना है कैट्स फॉर एग्जाम्पल या डॉग्स, जो भी है आपका मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड लिखने के बाद आपको एंटर दबाना है तो वो आपको अपनी पूरी 183,000 की डायरेक्टरी में से जिन जिन साइट्स के नाम में कैट्स कुछ करके आ रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली ला के आपके सामने खड़ा कर देगा। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम दो, बट मैं ये उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जो हार्ट को ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, राइट, वो इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज यू विल कम अक्रॉस सम वेबसाइट्स, आई एम नॉट सेइंग बहुत सारी वेबसाइट्स, लेकिन अगर लेट्स सपोज कैट की निश में आपको 100 साइट्स नजर आई हैं तो एटलीस्ट 10 ऐसी साइट्स आप निकाल सकते हो
इसको आप ये सोचोगे कि यार मैं इसको बेंचमार्क करना चाहूंगा अब, लेकिन दिस इज नॉट इट. मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, कि मैंने ये टेक्निक क्यों बोली और हाउ डिड आई कम अक्रॉस के वन वेबसाइट जो कि बहुत अच्छा कर रही थी. मैंने साइट के बारे में पहले भी आप लोग से डिस्कस करा था सेकंड्स के बारे में, एंड दिस इज हाउ आई केम अक्रॉस दिस वेबसाइट सेकंड्स. ठीक है, सेकंड्स के साथ हुआ ये था कि मैं बेसिकली ट्रैफिक, मैं डिफरेंट साइट्स को देख रहा था और बहुत टाइम मैंने इस टेक्निक के ऊपर लगाया था. तो मैं देखना चाह रहा था कि कोई भी वेबसाइट, मैं आप लोग को ये आज बता रहा हूँ, कोई भी वेबसाइट जिसका ट्रैफिक 150K से ऊपर हो अकॉर्डिंग टू सिमिलर वेब, किसी भी वेबसाइट का जिसका ट्रैफिक 150K से ऊपर हो. अब ये तो टेक्निक मैंने आपको बता दी कि अगर आप लोग दुनिया की जितनी भी शॉपिफाई वेबसाइट्स हैं और अपनी निश में आप और प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हो, आइडियाज जनरेट करना चाह रहे हो, अपसेल, लेट्स सपोज ऐसा भी होता है कि आपको एक प्रोडक्ट तो अच्छा नजर आ गया, एक प्रोडक्ट के अराउंड आपने एक शॉप खड़ी कर दी, लेकिन एक मेरा आपका सजेशन है, एक प्रोडक्ट के अराउंड आप एक शॉप जरूर खड़ी कर दो, इसमें कोई मसला नहीं है. मसला ये होता है कि आपकी एवरेज कार्ट वैल्यू बढ़ना जरूरी है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, वो बढ़ती है अपसेल्स की वजह से. ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस है ना, उसमें अगर अपसेलिंग ना हो तो आप इतना एंजॉय नहीं कर सकते, अपसेल करना जरूरी है. ठीक है, तो फॉर दैट अपसेल यू हैव टू कम अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आप उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करके ऑफर कर सको अपने कस्टमर्स को. इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू इंस्टॉल सिमिलर वेब, कॉमर्स इंस्पेक्टर, और ये myip.ms से आप लोग अपनी निश में मजीद सर्च कर ले चीजें क्या क्या आप लेके आ सकते हैं. ओके, हेडिंग ऑन, आपने अपनी निश में बाकी प्रोडक्ट्स निकाल लिए, अपने कुछ अच्छी साइट्स भी निकाल ली. अब आपको करना है वैलिडेट. देखें, किसी भी वेबसाइट, मैंने आपको ये शायद पहली क्लास में भी बताया था आप लोग को कि किस पहले सेशन में कि इट्स इम्पेरेटिव कि आप लोग जो भी रिसर्च कर रहे हो और कोई भी प्रोडक्ट्स जो आप ला रहे हो अपने स्टोर के ऊपर, किसी बहुत अच्छे स्टोर से भी उठाना सीखो, आदत डालो इस चीज की. बिकॉज एक बंदा जो 10 साल से काम कर रहा है एक चीज का, या 5 साल से कर रहा है ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री में, और आप जो सिर्फ 2-3 महीने के एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हो, नो मैटर आप मेरी टेक्निक्स जान के अपने आप को काफी स्मूथ कर लेते हो अपना प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक को, लेकिन आप चैलेंज नहीं कर सकते उस बंदे को जिसका सालों का एक्सपीरियंस है. बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स सबकॉन्शियसली जो उस बंदे के पास एक्सपीरियंस के थ्रू आई है, और उसका एक्सपीरियंस इज बाय फार अहेड. उसने प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट वैलिडेशन, एड कैंपेन्स के ऊपर स्प्लिट टेस्टिंग, उसने अपना बहुत पैसा बहाया है, जिसके बाद जाके अब वो एक प्रोडक्ट को प्रॉपरली प्रमोट करना स्टार्ट कर रहा है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, तो अब जैसे सेकंड्स है, अब मैं वैलिडेट करूंगा. मैंने इस पे साफ साफ लिखा हुआ है 150K प्लस ट्रैफिक होना चाहिए उस वेबसाइट का. तो अब पहले मैं चेक कर लेता हूं सेकंड्स का क्या ट्रैफिक है. सेकंड्स का ट्रैफिक है 653K, तो बाय फार अहेड. सही है, दैट्स ऑलमोस्ट 4 times द ट्रैफिक दैट आई हैव मेंशनड ओवर देयर. तो दिस वेबसाइट क्वालिफाइज लाइक एनीथिंग. किसी भी वेबसाइट जिसका ट्रैफिक 150K प्लस हो, इसका मतलब वो वेबसाइट अच्छा कर रही है. ये आप लोग अपने दिमाग में बांध लें. ठीक है, और आप लोग को उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना स्टार्ट करना है. ठीक है, ओके. इसी प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर एक सब कैटेगरी आती है प्रोडक्ट रिसर्च की, वो भी मैं अब आप लोग को बता देता हूं. मैं वैसे उसको अपनी स्लाइड्स में अलग से प्रोबेबली इंक्लूड करूंगा, लेकिन वो मैं आप लोग को इसके साथ ही बता देता हूं. ठीक है, आप लोग ने myip.ms से अपने निश स्पेसिफिक स्टोर्स निकाले, कुछ अच्छे स्टोर निकले जिसमें 150 प्लस ट्रैफिक था, आपने वैलिडेट कर लिया. अब आप लोग ने उसके प्रोडक्ट्स को देखना शुरू कर दिया, इंस्पिरेशन ली, आपने बोला ठीक है यार ये मैं अपसेल के लिए भी लगा देता हूं. लेकिन अब इसमें एक चीज और आती है, इस स्टोर के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करना चाहोगे
जैसे कि यहाँ पे उस वक्त से आप मेरे ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड सजेशन आए जा रहे हैं कि इसने इस वक्त खरीदा, इस वक्त खरीदा। बाय द वे दीज आर ऑल ट्रू स्टैट्स, इसने जो ऐप लगाई हुई है वाकई में ये सारी चीज़ें सेल हो रही हैं, इसके स्टोर पे ज़्यादा सेल हो रही हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो भी चीज़ें बेच रहा है, आप ये बेचना चाहोगे जो इसके स्टोर के बेस्ट सेलर्स हैं, या इसने स्टोर पे जो कोई नई चीज़ ऐड करी है वो बेचना चाहोगे? एंड आई थिंक मोहतरम कादरी ऑलरेडी नोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। यू गोइंग टू सेल जो इसने अभी स्क्रीन, आप लोगों को मेरे स्क्रीन नजर नहीं आ रहा गाइस? हाँ ठीक है। तो ओके तो आप लोग, मैं फिर बता देता हूं एक बार, आप लोग वो सेल करना चाहोगे जो इसके नए हैं। अब मैं एक बात कह देता हूं, ये इसका शॉपिफाई स्टोर है। मैं एक एक प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक और है जो मैं जरा आप लोग को एक सेकंड के लिए दिखाना चाहूंगा, बल्कि नहीं मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को, एक मिनट रुकिएगा। हाँ तो अब पता कैसे लगाया जाए कि इस स्टोर के न्यूली एडेड प्रोडक्ट्स कौन से हैं? आप ये पता लगा सकते हो एट एनी गिवन टाइम कि इस प्रोडक्ट के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ठीक है? लेट मी सी अगर इन्होंने ये ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई मसला होता नहीं है। लेट मी जस्ट चेक क्विकली, सॉर्ट बाय बेस्ट सेलिंग फीचर्ड। अच्छा तो एज फार एज आई नो एंड आई अंडरस्टैंड, ये बाय डिफॉल्ट जो है बेस्ट सेलिंग के लिहाज से फिल्टर आउट हुआ हुआ है, बट आई जस्ट चेक क्विकली। ओके नहीं, बेस्ट लास्ट वाला आई थिंक जो इसका फर्स्ट लुक है वो बेस्ट सेलिंग के लिहाज से ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हुआ हुआ है। आई जस्ट हैव अ लुक वन मोर टाइम ताकि मुझे आइडिया हो जाए। बेस्ट सेलिंग एग्जैक्टली, ठीक है, बेस्ट सेलिंग दबाया तो ये सारे इसके आ गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको बेच नहीं सकते, इसी के ऊपर मेरी एक और प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक है जिसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन अभी मैं ये आपको बता देता हूँ, डू नॉट लुक टुवर्ड्स दीज प्रोडक्ट्स एज ऑफ नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्निक। आप लोग को क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, आप लोग को कॉमर्स इंस्पेक्टर पे जाना है, ठीक है? कॉमर्स इंस्पेक्टर पे जाने के बाद आपको प्रोडक्ट्स पे जाना है। याद रखिएगा वन मोर टाइम, आपने इस प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक के लिहाज से आप लोगों ने वेबसाइट वैलिडेशन कर दी है, 150K से प्लस का ट्रैफिक है, ठीक है? अब हम प्रोडक्ट्स पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम देखेंगे न्यूएस्ट प्रोडक्ट्स एडेड। एंड आई टेल यू समथिंग, मैंने तकरीबन 10 से 25 डिफरेंट तरह के मैंने टूल्स यूज करे। कॉमर्स इंस्पेक्टर इज डेफिनेटली हैंड्स डाउन वन वन ऑफ द बेस्ट क्रोम एक्सटेंशन दैट यू कैन फाइंड आउट देयर फॉर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? 2 दिन पहले एयर फिल्टर इसने ऐड करा है, फेस कवर इसने ऐड करा है 2 दिन पहले, ठीक है? डू इट योर सेल्फ मैग्नेट्स ऐड करे हैं इसने 2 दिन पहले, ठीक है? 8 दिन पहले ऑल पर्पज ड्राइविंग रिकॉर्डर यूज करा है इसने, ऐड करा है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ इसने कैसे करी है। अच्छा तो इसने डिलीट कर दिया प्रोडक्ट। इसका रीजन ये है डिलीट करने का, जहां तक मुझे पता है कि जो जितने भी मास्क वाले सप्लायर्स हैं इवन अली एक्सप्रेस पे भी दे आर गोइंग आउट ऑफ स्टॉक। आई डोंट नो, मे बी कोई मसले हो, लेकिन एक ये ठीक है, मैं फिर कर रहा हूँ। फेस कवर ये भी डिलीट हुआ हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि मैंने देखा है कि कोई इनके डिलीटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, नहीं तो ये साइट बहुत अच्छी है। डू इट योरसेल्फ मैग्नेट्स तो 100% होगा। हाँ आ गया, ठीक है? तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डू इट योरसेल्फ मैग्नेट्स के जो है इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करी हुई हैं, बहुत अच्छी से इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी ऐड करी हुई है इसकी, ठीक है? एंड दैट्स दैट, ठीक है? तो ये हो गया आपका ये वाली टेक्निक। मैं आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ऐसी साइट जो प्रोडक्ट्स नए ऐड कर रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, उनको जरूर ट्राई करना सीखो, ठीक है? उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ पैसा लगाओ, थोड़ा सा चेक करो कि
उनके वो प्रोडक्ट्स कैसे चल रहे हैं। या ठीक है, सो आई जस्ट हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, जिनको जो क्वेश्चंस है प्लीज शीट पे लिख लें, ठीक है। ये मैंने शीट प्रोवाइड करी भी है, मैं आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे लेट आए होंगे तो उन लोगों को मैं फिर से प्रोवाइड कर रहा हूँ। उप्स सॉरी जी। याद से शीट का लिख ले लें, इसके ऊपर क्वेश्चंस लिख लें अपने जो भी हैं। मैं आज इस तरीके से करूंगा, आज जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, फिर मैं कुछ ऑन बोर्ड भी ले लूंगा क्वेश्चंस ओवर द वॉइस, बट मैं कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स मैं शीट के थ्रू दूं। ओके, सो द नेक्स्ट वे, प्रोडक्ट रिसर्च मेथड 4, थर्ड पार्टी टूल्स। ओके, तो काफी कुछ लोगों को थर्ड पार्टी टूल्स के बारे में पता होगा। आई थिंक 50% से ज्यादा लोगों को, 50% लोगों को पता होगा थर्ड पार्टी टूल्स कौन से होते हैं। सो ड्रॉप शिपिंग के लिए मैं आपको ये बता दूं, 2016 में पहली साइट जो मेरे ख्याल से लॉन्च हुई थी, जो आपको प्रोडक्ट हंट करके देती थी खुद से, वो थी पैक्सडा, दिस वन। 2015-16 की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। पैक्सडा ने सबसे पहले स्टार्ट करा था ये काम करना, और अभी मार्केट नंबर वन जो मुझे पता है वो है ईकॉम हंट, ठीक है। ईकॉम हंट को फिर कॉपी किया था निश स्क्रैपर ने। टेक्निक्स दोनों की मोर लेस सेम है, लेकिन निश स्क्रैपर में एक अच्छी बात है जो कि ईकॉम हंट में नहीं है, लेकिन ईकॉम हंट में अच्छी बातें थोड़ी ज्यादा ही है। ओके, सो सब्सक्राइबिंग टू दीज साइट्स, सब्सक्राइबिंग टू साइट्स दैट हैव एक्सपर्ट्स हंटिंग प्रोडक्ट्स फॉर यू, they provide you insights on products plus targeting options such as demographics etc. The con that they have so many people subscribe to them that everyone is cashing on the new products added. So main ek baat batata hu, ecomment of niche scraper pe औजार जो साइट्स होती हैं उनके ऊपर तकरीबन 3-4 नए प्रोडक्ट्स आते हैं। अब जब 3-4 नए प्रोडक्ट्स आते हैं और उनके कितने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स या चलो थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो सब के सब उसमें अपना पीस ऑफ पाई खाने के लिए जो है कूद पड़ते हैं, सही है, और वो अपना अपना चंक निकालते हैं पैसे का और बस चलते बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। दो कुछ लोग इसको बहुत अच्छे से स्केल करना भी जानते हैं तो वो लोग ज्यादा पैसे बना लेते हैं। तो इफ यू लुकिंग फॉर के यार $200-$500 बन जाए मेरे महीने के, आई थिंक ये टेक्निक बहुत ईजी है कंपेरेटिवली। आप कुछ नहीं करो, आपको आप ये बोलते हो नहीं यार मुझे प्रोडक्ट हंटिंग पे टाइम नहीं लगाना, मुझे ये सारी चीजों में नहीं लगना, मैं बस ई कॉम हंट के 4 प्रोडक्ट्स को रोज स्प्लिट टेस्टिंग पे लगाऊंगा, जो भी मेरा प्रोडक्ट जो है सेल्स देना शुरू कर देता है उसको मैं स्केल करूंगा थोड़ा बहुत, जितना मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन $100, $120, $150, $200, $300 यहाँ तक जितना भी निकलता है मैं निकालता रहूंगा। जब मुझे फील होगा रोएस बैठ रहा है उसका रिटर्न ओवर एड स्पेंड, मैं उसको किल कर दूंगा और फिर अगले दिन मैं नए प्रोडक्ट्स का वेट करूंगा। ऑन डेली बेसिस आपको 4 नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, अगर आप यह समझते हो कि आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहे ड्रॉप शिपिंग पे, तो दिस इज समथिंग यू वॉन्ट टू गो विद, ठीक है। तो दिखा देता हूं मैं आप लोग को, ये ईकॉम हंट है, मैंने ग्रुप बाय टूल के थ्रू करा हुआ है, इसको लिया हुआ है। वैसे अगर आप लोग ईकॉम हंट पे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसकी $30 की सब्सक्रिप्शन फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन मैंने इसको जो लिया हुआ है ईकॉम हंट को, ये मैंने ग्रुप बाय टूल के थ्रू लिया हुआ है, विच इज SEO RDP। SEO RDP बेसिकली ग्रुप बाय टूल है जो आपको गिव्स यू एक्सेस टू अ लॉट ऑफ अदर प्रीमियम टूल्स जिनकी सब्सक्रिप्शंस बहुत महंगी हैं, लाइक Ahrefs, SEM Rush, सो एंड सो फोर्थ, और अच्छी खासी महंगी हैं, लेकिन आपको ये सारी सब्सक्रिप्शन जो है सिर्फ $25 पर मंथ पे दे देता है, सही है। और इसमें एक टूल नहीं है, इसमें बहुत सारे लिस्टेड टूल्स हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स भी है, स्किल शेयर है, वू रैंक है, बस सूमो है, अमेजिंग अमेजिंग
ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, इन्वाटो है, SCO प्रोफाइलर है, वॉट नॉट, सही है, हीलियम है, है ठीक है। तो अच्छा ओके, तो ये रहा ईकॉम हंट एक्सक्यूज मी। और जैसे आप देख सकते हो मैं रिफ्रेश करें, इससे मुझे ऑटो लॉग आउट कर देता है एक टाइम पे आके। ये क्या हो गया, जी क्लियर मेकअप ग्लासेस, सो दिस लुक्स लाइक अ वाओ और वाओ फैक्टर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट that you can say कि नहीं यार ये मैंने पहले ऐसा देखा नहीं है, something that is that may not be available out in the stores, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, I'm just going to click on it, show me the money पे आप क्लिक करोगे, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद वो आपको उसकी sort of एक थोड़ी optimized सी description आपको provide करेगा जो आप use कर सकते हो, आपको ये profit cost प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग प्राइस सब कुछ बता देगा, आपको ये वेंडर्स का लिंक बता देगा, अली एक्सप्रेस पे कौन बेच रहा है, अली बाबा पे कौन बेच रहा है, अमेजोन पे कौन बेच रहा है, ईबे पे, स्टोर सेलिंग दिस आइटम, इस पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट, जरा एक सेकंड रुकिए, आप वेबसाइट पे चले जाओगे उस स्टोर के, और आप ये चीज गौर करिएगा जरा एक सेकंड के लिए, I don't know what this is, but ये जिस स्टोर पे आप जाओगे उस स्टोर पे आप एक चीज और गौर करोगे कि उसने अपनी एक अच्छी सी SEO optimized description पूरी डाली दी होगी, आप उसको let's be honest 90% लोग कॉपी करते हैं दूसरे की descriptions को थोड़ा amend करके, या नहीं भी करते at times, ठीक है, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो स्टोर सेलिंग दिस पे क्लिक करके, आपको पता चल जाएगा वो क्या चीजें यूज कर रहा है, और फिर देन अगेन फेसबुक एड्स पे आप क्लिक करोगे तो उसका जो फेसबुक एड चल रहा है, अच्छा तो ये डिलीट कर दिया प्रोडक्ट, काफी लोग ये करते हैं कि डायरेक्टरी से डिलीट कर देते हैं ताकि दूसरे लोग उसके ऊपर स्पाई ना कर सके, ठीक है, लेकिन दिस इज हाउ द एड इटसेल्फ लुक्ड लाइक, जैसे आप देख सकते हैं 3500 इसके लाइक्स है, 1300 कॉमेंट्स है, 1200 शेयर्स है, सीक स्टार जो है वेबसाइट सीक स्टार इसको सॉरी पेज वो इसको प्रमोट कर रहा था, तो आप जाके स्पाई कर सकते हैं बाद में के अगर ये आपको वहां पे मिल जाए, ये आपको फेसबुक एड्स टारगेटिंग देगा जो आई थिंक इट्स वेरी स्टूपिड, आई डू नॉट इवन फॉलो दिस, दिस इज प्रीटी क्रैपी काइंड ऑफ टारगेटिंग, आई डू नॉट बाय दिस, ये बस थोड़ा सा आपको खुश करने के लिए टारगेटिंग भी दे देते हैं, ये टारगेटिंग जो मैं आपको फेसबुक एड्स की बता रहा हूँ इट्स प्रीटी क्रैपी, इतनी नैरो डाउन टारगेटिंग आजकल चल भी नहीं रही है, खैर एक मिनट रुकिएगा जी, ठीक है, तो ये हो गया डेमोग्राफिक्स टारगेटिंग आपको बता दिया, दिस कुड बी करेक्ट या कुड बी नॉट सेइंग 100% बट या प्रीटी मच सही लग रही है, 25-65 प्लस वाले लोग, वैसे भी बाइंग बिहेवियर अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग 24-25 के बाद खरीदना स्टार्ट करते हैं, तो 65 plus, I don't know, I wouldn't like target that, but आपको ये recommend कर देता है. Instagram influencers भी इसने आपको recommend कर दिए, जिनसे जाके आप बात कर सकते हो, shout outs करवा सकते हो, analytics आपसे share कर दिए, show buy reviews वगैरह. So yeah, that's pretty much it for ecom hunt. सेल विद ओबेल्डो, इसको आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट आपके ओबेल्डो में ऐड हो जाएगा, एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू गाइस हैव क्वेश्चंस व्हाट इज ओबेल्डो, मे बी
जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग नहीं करी भी, तो आई विल कम टू दैट इवेंचुअली इन माय नेक्स्ट सेशन होपफुली, तो ये भी मैं कवर कर लूंगा. तो ये वाला सेक्शन हो गया कवर. एक चीज और मैं आप लोग को बताते चलूं, ई-कॉम हंट वर्सेस निश स्क्रैपर. यस, बाय फार ई-कॉम हंट इज डेफिनेटली बेटर देन निश स्क्रैपर, बट निश स्क्रैपर में एक एक्स्ट्रा टूल है जो दोज ऑफ यू हु वांट टू ट्राई निश स्क्रैपर, मैं बस बताना चाह रहा हूँ, निश स्क्रैपर में एक एक्स्ट्रा टूल है जो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक्सेस अभी नहीं है, जो आई थिंक इज प्रिटी अमेजिंग. इट लेट्स यू spy on other dropshipping stores. It lets you spy on specific niches, something that Ecom Hunt is not offering. ठीक है, तो you might want to try that out. Just एक ऐसी मैं सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं. ठीक. तो yeah. So we are done with this one. Okay. So प्रोडक्ट रिसर्च मेथड नंबर 5, कॉमर्स इंस्पेक्टर वायरल पोस्ट. सो हो सकता है जो लोग कॉमर्स इंस्पेक्टर यूज कर रहे हैं वो ये पता चल, उनको पता चल गया हो. दिस इज प्रीटी अमेजिंग. मुझे ज्यादा देर इस वाली टेक्निक के ऊपर टाइम गुजारने की जरूरत नहीं है. अलाउज यू टू स्पाई ऑन ट्रेंडिंग फेसबुक एड्स, विच ऑल्सो मीन्स ट्रेंडी प्रोडक्ट्स टू टेस्ट. यू कैन ऑल्सो यूज दोस एड्स टू स्पाई ऑन निशेस. फॉर एग्जाम्पल, I'm going to talk about Commerce Inspector. ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद, Commerce Inspector पे के आइकन पे क्लिक करने के बाद, मैंने क्लिक करा इस आइकन के ऊपर, which would open Commerce Inspector on a separate tab. तो अब आप आ गए हो एक सेपरेट टैब के ऊपर. यहाँ पर आप जो है कॉमर्स इंस्पेक्टर आपको टॉप पोस्ट बताएगा, सजेस्ट करेगा. ठीक है, सो आई फील जब मैंने पहली बार ये एरिया देखा था तो आई वाज ओवरवेल्म्ड एंड आई वाज लाइक कि यार मतलब ये वाकई जेन्युइनली जितनी भी सजेशंस दे रहा है ये मुझे फील हुआ एंड आई स्टिल फील कि मतलब आप लोग ये चीज ट्राई कर सकते हो. आपको एड्स नजर आए और अगर आप सपोज आपको वो वाली टेक्निक नहीं समझ आ रही जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, लेकिन वो करना जरूरी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ. उसके अलावा आपको और भी सजेशंस चाहिए. आपके पास लिमिटेशन है दैट यू डू नॉट हैव अ यूएस अकाउंट. फॉर एग्जांपल फेसबुक का आप यूएस में नहीं रिजाइड करें, बिकॉज 90% ऑफ द एड्स जो कि ऐसे एड्स जो मैं बोलूँ जिनमें वाओ फैक्टर हो, मतलब आपको पाकिस्तान में नजर आ रहा है कोई एड ड्रॉप शिपिंग का, वो आपको सिर्फ इस वजह से नजर आ रहा है बिकॉज वो बंदा सोशल प्रूफ इकट्ठा कर रहा है. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अदर एड्स जो पाकिस्तान में वो बंदा नहीं शो कर रहा या वर्ल्ड वाइड शो नहीं कर रहा, वो सिर्फ यूएस में शो कर रहा है बिकॉज यूएस वालों की बाइंग पावर ज्यादा है. तो आप उनपे कैसे करोगे स्पाई? उसके लिए आपके पास फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए जो यूएस का हो, उसमें ये लिखा हुआ हो कि भाई वो बंदा यूएस में रहता है. और फिर आप अपनी आईपी लॉगिन करके आए, सिर्फ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप आईपी लॉगिन कर लें और आपका पाकिस्तानी अकाउंट हो, आपको वो वाले एड्स नजर नहीं आएंगे. फेसबुक का अकाउंट हो यूएस स्पेसिफिक, सही है, वो बेसिकली वो जिसकी भी प्रोफाइल है वो ये दिखा रही हो कि वो बंदा या बंदी यूएस में रहती है या रहता है, और प्लस आप वीपीएन लॉगिन करके आए यूएस का, तो फिर आपको और भी बहुत सारे एड्स नजर आने शुरू होंगे. एंड इट इज इटसेल्फ अ लॉट ऑफ हैसल. उस हैसल से बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप कॉमर्स इंस्पेक्टर के टॉप पोस्ट वाली कैटेगरी में चले जाओ और आप इसको अलग से खोल के देखो. नाउ यू विल Have a look. So, अब आपको एक वक्त में तीन चार चीजें मिली हैं. पहली चीज 2900 शेयर्स, 2500 कमेंट्स, 9000 लाइक्स. यू नो दिस फॉर योरसेल्फ. यस, यूके में जो 100% एड्स जो यूएस में चल रहे होते हैं उसमें से एटलीस्ट 50% प्लस यूके में भी चल रहे होते हैं फॉर ड्रॉप शिपिंग. ठीक है, तो नो यू नो दिस फॉर अ फैक्ट. मैं आप लोग को पहले बता दिया था, इन प्रोडक्ट विद सो मच सोशल प्रूफ इज डेफिनेटली प्रॉफिटेबल. अब ये एड आई डोंट नो मे बी तकरीबन 6 दिन पहले चलना शुरू हुआ है और आप ये देख सकते हो 3-3 दिन पहले, 4-4 दिन पहले के इसके
कमेंट्स आए हुए हैं लाइक दिस इज डेफिनेटली अ वेरी क्रेजी प्रोडक्ट. जस्ट लुक एट इट के हर कमेंट के ऊपर भी कितने लाइक्स आए हुए हैं. इट वर्क्स ग्रेट, कीप्स ऑल माय रोज़ ऑफ लाइक लिटरली. सो या so yeah, not a bad product actually. ठीक है. और इनफैक्ट हो सकता है कि आप लोग इनमें से कुछ टेक्निक्स को सर्च कर करके जो है ना अपने अमेजोन के प्रोडक्ट्स के लिए भी कुछ आइडियाज आप लोग को जनरेट हो जाएं. सो मैंने आप लोग को ये तरीका बताया है. ठीक है. दिस इज 100% अ ड्रॉप शिपिंग एड. मैंने आपको एक सबसे आसान तरीका बता दिया कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट नजर आए तो आप उसको अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज के थ्रू जो है सर्च करें और उस प्रोडक्ट को उसकी वेबसाइट पे जाके अगर वो प्रोडक्ट नजर आ जाता है अली एक्सप्रेस पे तो दैट इज अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट. आपको एक और लेयर ऐड करनी है, दो और लेयर्स ऐड करनी है कि ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग का है या नहीं. तो इसका दूसरा तरीका ये है कि उसके बाकी प्रोडक्ट्स देखें शॉप पे, उनको भी इसी तरह से सर्च करें, फिर और कन्फर्म हो जाएगा आपको कि ड्रॉप शिपिंग ही कर रहा है बंदा. तीसरा तरीका ये है उसके डिलीवरी पे जाके चेक करें. अगर वो कोई थर्ड पार्टी सप्लायर के थ्रू ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा तो देयर चांसेस के वो उसकी डिलीवरी टाइम 14-15 दिन से ऊपर का होगा, तो दैट आल्सो कंफर्म्स के ड्रॉप शिपिंग कर रहा है. या ऑब्वियसली आई विल शेयर द स्लाइड्स. ठीक है. तो ये प्रोडक्ट आपके सामने आ गया, यू कैन ऐड दिस टू योर शॉप और बिल्ड अ निश स्पेसिफिक शॉप. देन अगेन मेरी पुरानी टेक्निक्स मत भूलिएगा. ये अच्छा आपको प्रोडक्ट नजर आए तो इसके आप ट्रांसपेरेंसी पेज ट्रांसपेरेंसी में जाके और एड्स भी देख सकते हैं, मे बी और भी किसी प्रोडक्ट के साथ सक्सेसफुल हो. ठीक है. सो ये आपको काफी सिंपल टेक्निक थी, ये क्लियर हो गया होगा. मैं आगे चलता हूं. प्रोडक्ट रिसर्च मेथड, फ्री शिपिंग एंड 50% ऑफ. ठीक है. ये भी बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. ठीक है. आप लोग को कुछ नहीं करना, फेसबुक पे जाना है. फेसबुक पे जाने के बाद आपको पहले मैं ये बता देता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है. 50% ऑफ, यू विल फाइंड द ट्रेंडी प्रोडक्ट्स इन लास्ट मंथ और दिस मंथ. मेक श्योर टू सेलेक्ट द करेक्ट फिल्टर्स एंड सेलेक्ट प्रोडक्ट्स दैट हैज वीडियो व्यूज ओवर 500,000. द टेक्निक विल हेल्प यू गेट योर हैंड्स ऑन प्रोडक्ट्स दैट आर स्कोरिंग सेल्स एट द मोमेंट. टेक योर पीस ऑफ पाई. ठीक है. मैं लिख देता हूँ. अच्छा, अब मैं 50% ऑफ क्यों लिख रहा हूँ, सही है, उसका रीजन है. आप ये बात बहुत कॉमन देखेंगे, बहुत ज्यादा इनफैक्ट, कि जब आपको कोई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट नजर आएगा तो उस पे हर 10 एड्स में से 5 एड्स या 7 एड्स पे लिखा हुआ होगा कि वेट लेट मी शो यू फ्री शिपिंग या 50% ऑफ. ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो गया. ठीक है. तो या फिर अगर आपको लगता है कि यार कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, ओनली 29.99, नहीं इसमें कोई ऐसी चीज लिखी हुई नजर नहीं आ रही. वन सेकेंड. नाउ शिपिंग वर्ल्ड वाइड, ये भी एक हो सकता है. ठीक है. वर्ल्ड वाइड शिपिंग या शिपिंग वर्ल्ड वाइड, ये भी एक टर्म है. ठीक है. इन टर्म्स को यूज करके आप सर्च करें. जैसे आई एम गोइंग टू गो विथ 50% ऑफ. अभी 50% ऑफ क्लिक करा, एंटर करा, वीडियोस के सेक्शन में गया. वीडियोस के सेक्शन में जाने के बाद प्लीज मेरे इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा, वीडियो व्यूज शुड बी ओवर 500K. मैं ये नहीं कह रहा 300K प्लस वाली अच्छी नहीं है, लेकिन आई एम सेइंग कि 500K, जैसे आप हमेशा कोई वैलिडेशन स्टेप रखते हो, मेरे हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैलिडेशन स्टेप है. तो आपको सारी वीडियोस नजर आना शुरू हो जाएंगी 50% ऑफ के लिहाज से. लेकिन इसमें तो 28 जनवरी की भी आ रही है, 770,000 की, 20 मिलियन की एक और आ रही है, 1 मिलियन की ऑलमोस्ट एक और आ रही है, 8 मिलियन की एक और आ रही है, नवंबर 2019, फरवरी 13th, फरवरी 5th, एंड आई एम श्योर कि आपको शायद तो कुछ नहीं पता, हो सकता है 2018 की भी नजर आ रही हो. तो आपको करना है दिस मंथ. ठीक है. अब आप ये देख सकते हैं 300K के करीब ये पहुंच गए. हो सकता है
कि ये अभी 500K तक भी पहुंच जाए। 500K पे तक पहुंचने का मकसद क्या है, पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि मतलब दे स्टिल रूम कि ये और एड्स चला के इसके ऊपर सेल्स स्कोर कर ले। तो बिफोर ही स्कोर्स रेस्ट ऑफ द सेल्स यू कैन स्टार्ट स्कोरिंग, बेसिकली स्टार्ट ईटिंग ऑन हिज शेयर, राइट। सो ये हो गया, नीचे चलते हैं थोड़ा, देखते हैं कोई और प्रोडक्ट नजर आ रहा है, नहीं 150K से 300K वाला एक और नजर आ रहा है, मे बी माइट वॉन्ट टू पुट सम मनी बिहाइंड इट। Yeah, so that's pretty much it. February 2020 का भी देख लेते हैं। Last month मैंने बोला this month and last month. देखें अब ये है 50% off free worldwide shipping. इस पे आप क्लिक करके देखते हैं है क्या प्रोडक्ट। Okay, so it's a Bluetooth technology ke saath hai ki you can also listen to music while you're sleeping. Not a bad product at all, actually. ठीक है, तो मतलब मुझे शायद कहने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को खुद देख के अंदाजा हो रहा होगा कि वाकई वाओ प्रोडक्ट है। दिस इज नॉट the kind of product that is easily available out in the stores. Maine nahi dekha, at least maybe kisi aur ne dekha ho, lekin the reason it did so well is because obviously ye sare products aapko amazon pe milenge, it is obvious, ye jitne bhi products hain aap log ko amazon pe milenge aur ye aapko aliexpress pe bhi milenge, lekin batane ka maksad ye hai ki kisne pehle drop shipping mein in ads ko scale kar liya. aap log agar ye samajhte hain, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आप लोग की नॉलेज के लिए कि Amazon पे लेट्स सपोज आपको एक प्रोडक्ट नजर आ गया, सबसे बड़ा इशू क्या है, आप इस प्रोडक्ट को ऐसे स्केल कर ही नहीं सकते, ऐसे सेल्स ला ही नहीं सकते जैसे ये बंदा ला सकता है। अब आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों, Amazon का तो अपना नाम है। अच्छा मैं बता रहा हूं फेसबुक एड्स के थ्रू, फिर से मैं क्लियर कर लेता हूं, आप फेसबुक एड्स के थ्रू इस तरह नहीं ला सकते। कोई मुझे एक सिंपल रीजन बता दे इसका रीजन क्या है पीछे, क्या आप अभी फॉरन लाइक ऑन इमीडिएट बेसिस आप लोग उतनी तेजी से सेल्स नहीं ला सकते। एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा अमेज़न पे, जिसके बाद आपके पास कंसिस्टेंट सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन नहीं, इट्स नॉट, मैं आपको बताता हूं, नहीं इट्स नॉट इवन अबाउट बजट for Facebook ads, it's not social proof either. There's only one single factor जिसकी वजह से आप Amazon पे चला, आप कितने यही ad, let's suppose ये आपका product है Amazon पे, easy can do, आप पहले मेरी बात तो पूरी complete करने दो। आप अच्छा चले easy can do, easy क्या आप, मैं आपको पहले ये बता दूं exactly किसने बोला जवाब दिया, अहमद मंसूर ने जवाब दिया इस चीज का, Pixel. Easy आपको पिक्सल नहीं लगा के दे सकता है अमेज़न के ऊपर, आप ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, आज प्रोडक्ट आपको मिला है और एक घंटे में आप क्या प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आज आपकी प्रोडक्ट हंटिंग शुरू हुई और आज ही आपने प्रोडक्ट अपने साइट पे पूरा आपने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया उसको, इतना जल्दी हो सकता है अमेज़न पे, नहीं हो सकता। पहला पॉइंट, क्या 2 घंटे के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको प्रोडक्ट मिल गया एंड यू नो के दिस विल स्कोर हाई, आप अपना पिक्सल नहीं लगा सकते अमेज़न के ऊपर, अमेज़न का अपना पिक्सल हो तो हो, आप लगा नहीं सकते। एग्जैक्टली, और हसन ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, लुकअलाइक ऑडियंसेस विल प्ले इट्स पार्ट एज वेल एट द सेम टाइम। अगर पिक्सल नहीं है तो आप फेसबुक को इनफ डेटा पॉइंट्स नहीं दे रहे कि फेसबुक अपने उन एड्स को स्केल कर पाए। और क्योंकि मैं आपको बताता हूं पिक्सल है क्या चीज, फेसबुक पिक्सल, पिक्सल इज द सिंगल मोस्ट एंटिटी एंड प्रोबब्ली मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ फेसबुक एड्स, जो बेसिकली एड्स को आंखें देता है आपकी वेबसाइट पे देखने के लिए।
अगर आपका पिक्सल इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ वेबसाइट पे तो फेसबुक को पता कैसे चलेगा आप कौन, आपकी वेबसाइट पे बंदे का स्टे टाइम कितना देर था, बंदे ने कहाँ कहाँ क्लिक किया, उसने उसकी टोटल कार्ट वैल्यू कितनी थी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी थी, उसने चेकआउट किया नहीं किया, उसने एड टू कार्ट किया नहीं किया, उसने परचेस किया नहीं करा, फेसबुक को पता ही नहीं है बात। जब आप फेसबुक को यह इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हो तो उसके बाद वहां से स्केल करना स्टार्ट, स्केल करने का पूरा गेम स्टार्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात? स्केल करने का गेम ही वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने फेसबुक को डेटा दे दिया। नाउ फेसबुक नोज एग्जैक्टली, आप रीटारगेटिंग भी कर सकते हो। फेसबुक नोज कि आपकी वेबसाइट पे कौन आया था, किसने खरीदा, कौन इंटरेस्टेड नहीं है। ये भी बात समझने की कोशिश करो। देखो, कौन इंटरेस्टेड नहीं है इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो वो जंक लोगों को तुम्हारा एड दिखाना बंद कर देगा। आज मैं एक चीज बताता हूं आप लोग को, जो प्रोबेबली शायद आपको किसी और से नहीं सुनने को मिले। आप लोग ने उसके बारे में सुना है, फ्री प्लस शिपिंग सुना ही होगा शायद, फ्री प्लस शिपिंग के बारे में सुना है? ओके, फ्री प्लस शिपिंग होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं जिनको नहीं पता। फ्री प्लस शिपिंग ये होता है फॉर एनी प्रोडक्ट जो $10 के अंदर अंदर है। सपोज प्रोडक्ट की जो प्राइस आपने रखी हुई है, प्रोडक्ट की कॉस्ट थी $2, आपने उसके ऊपर प्राइस लिखी $5 और आप उसको फ्री दे रहे हो। मतलब आपने एड चलाया फेसबुक पे कि मैं ये प्रोडक्ट फ्री दे रहा हूं, आपको सिर्फ शिपिंग पे करनी है। फ्री प्लस शिपिंग ये होता है। कभी भी ऐसा प्रोडक्ट अपनी उस साइट पे मत प्रमोट कीजिएगा जिस पे और भी आपके प्रोडक्ट्स एडेड हो। क्यों? रीजन बताता हूं। जो फ्री वाला माइंडसेट है ना, फ्री वाला, फेसबुक उन लोगों को फिर घेर के लाना शुरू करेगा और वो उन्हीं, इन शॉर्ट वो लोग जो चाहते हैं कि यार बस $10, बस मुझे सिर्फ $10 की शिपिंग पे करनी पड़ी, मतलब प्रोडक्ट फ्री है, वाओ दैट इज समथिंग, वो सिर्फ उन माइंडसेट वाले लोगों को लाना शुरू कर देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। हाई पेइंग कस्टमर्स अगर उनको वो प्रोडक्ट पसंद भी आए, वो उनको टारगेट ही नहीं करेगा, वो फ्री वालों को टारगेट करना शुरू कर देगा। दिस इज द बाइंग बिहेवियर जो हम फेसबुक को देते हैं अपने डेटा पॉइंट्स के सूरत में, और फिर फेसबुक करता है उसको ऑटोमेट बैक एंड पे अपने AI के थ्रू। एग्जैक्टली, इट विल डिस्ट्रॉय योर डेटा पॉइंट्स। अगर आप अपनी साइट का अपने स्ट्रक्चर रखा हुआ है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो फेसबुक को डेटा देने के लिए, आप फेसबुक को जितना एक्यूरेट डेटा दोगे उतना अच्छा सुथरा ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको प्रॉबेबली कोई ऐसा ही बंदा बता सकता है जिसके सालों का एक्सपीरियंस हो सिर्फ फेसबुक एड्स चलाने का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? या और दूसरी बात ये, मैं यहाँ पे फेसबुक एड्स से रिलेटेड बात कर रहा था, स्पेसिफिकली फेसबुक एड्स की बात कर रहा था, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है कि जिसने फेसबुक एड्स अमेजोन पे चलाने की कोशिश करी भी हो, तो उसने अच्छा खासा भुगता भी होगा, बिकॉज फेसबुक एड्स फॉर अमेजोन इज नॉट रिकमेंडेड जस्ट बिकॉज ऑफ द पिक्सल। आई एम टॉकिंग अबाउट फेसबुक एड्स। तो बाकी बातें करने का कोई फायदा नहीं है कि अगर कोई बाल बोल रहा है, कोई और पॉइंट्स लेके आ रहा है, मैं फेसबुक एड्स की बात कर रहा हूं। मैं अच्छा, सो प्रोडक्ट रिसर्च में, अच्छा मैं वैसे वेट, लेट मी चेक कितने रह गए हैं टेक्निक्स, 1, 2, 3 और रह गई हैं। इफ यू गाइज वॉन्ट, मैं यहाँ पे इस वाले प्रोडक्ट रिसर्च के बाद मैं रैप अप करता हूँ, और तुम लोग चाहो तो क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हो, और तुम लोग अपनी एक शीट बना लो। मैंने अभी, किसी ने मुझसे अभी शेयर करा था, मैं भूल गया, आई थिंक फहद नाम था उनका, क्या नाम था, जिनके मैंने अभी प्रोडक्ट्स देखे हैं, मुझसे शेयर करना स्टार्ट कर दो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं देख लूँ प्रोडक्ट्स को, थोड़ा एक आइडिया देना शुरू कर दो। सही है, मैं शेयर कर देता हूँ तुम लोग के साथ ये PPT, और मैं तुम लोग को सब कुछ इनसाइड आउट आगे भी समझाऊंगा इन आर नेक्स्ट क्लास।
तीन प्रोडक्ट हमारे रिसर्च टेक्निक्स रह गए. मुझे लगता है इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस होंगे. लास्ट वन, प्रोडक्ट रिसर्च मेथड, व्हाट द फक प्रोडक्ट्स. सही है, WTF प्रोडक्ट्स मेरी नजर में कौन से होते हैं? वो होते हैं जो साइट्स हैं जो सिर्फ इन वाओ फैक्टर या WTF वाले प्रोडक्ट्स को रोज अपनी वेबसाइट के ऊपर उतारते हैं. ठीक है, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं. सो AliExpress, हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? AliExpress सर्च बाय इमेज एंड दी साइट्स टू फाइंड लुक लाइक प्रोडक्ट्स. ठीक है, द ओनली they only add wow products to their websites. मैंने बता दिया, you can build one product sites around the products. Okay, so मैं चला जाता हूँ shutupandtakemymoney.com. ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये wow products होते हैं, ये इन sites पे day in day out आते रहते हैं. this is why I'm broke पे भी जाऊँगा. ठीक है, मैंने आज से कुछ दिन पहले बाइसिकल हैंडल बार एक प्रोडक्ट देखा था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं. नहीं बाइसिकल ये भी नहीं है. खैर चलो कोई मसला नहीं, मैं आप लोग को ऐसे ही बता रहा हूं एक बात. इसमें थोड़े से अब जैसे कि ये प्रोडक्ट आप देख रहे हो, मैं जस्ट सेइंग द हैंडी हैंड. ठीक है, या हम कोई और देख लेते हैं, जायंट लो इन द डार्क मून स्टिकर. ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट लग रहा है जो कि हम सोच सकते हैं प्रमोट करने का. ठीक है, बहरहाल मैं आप लोग को एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ जो मैंने देखा था इसके ऊपर शटअप एंड टेक माय मनी पे. मुझे नहीं पता था कि ये एग्जिस्ट करता है AliExpress पे. मुझे आइडिया भी नहीं था, बहुत कम सप्लायर्स इसको अपने पास रखे में. सही है, एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिकली बाइसिकल हैंडल बार. ये मैं खुद प्रोबेबली प्रमोट करने जाऊंगा, और मैंने इसका पूरा वन प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पेज एक दिन में बहुत आराम से बनाया है, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, तो यू मे वांट टू फाइंड दिस प्रोडक्ट ऑन AliExpress. चेक कर लो, सर्च हमेशा ये करना कि उस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए राइट क्लिक करके सर्च ऑन AliExpress बाय इमेज. ये देखें आ गया, मतलब मैं ये अच्छा. अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो शटअप एंड टेक माय मनी, दिस इज व्हाई आई एम ब्रोक ड्यूड, आई वांट दैट एंड ऑडिटी मॉल, ये चारों बहुत मशहूर वेबसाइट्स हैं. ये लोग काम ही यही करते हैं, और ये लोग अभी से नहीं कई सालों से, 5-6 साल 7 साल से ये काम करें. ये सारे प्रोडक्ट्स जो प्रमोट करते हैं ये अमेजोन के करते हैं. ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि ये होगा, बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकता है आपको मिले भी ना, प्रोबेबिलिटी है इस चीज की. ठीक है, ये वाला भी करके देख लेते हैं एक बार. देखिए ये अमेजोन पे ये प्रोडक्ट है. ठीक है, और मैंने इसको जो है ना AliExpress के ऊपर भी निकाल लिया. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन, व्हाट द नेम ऑफ द एक्सटेंशन इज AliExpress सर्च बाय इमेज. ठीक है, AliExpress सर्च बाय इमेज. तो मुझे इस तरह करके जो है ना बाइसिकल हैंडल बार लाइट्स का मुझे बेसिकली एक प्रोडक्ट नजर आया था, थोड़ा अपनी खुद की मैनुअल रिसर्च करके. एंड एज यू कैन सी, ओप्स, मैंने इसके ऊपर वन प्रोडक्ट पूरा स्टोर खोला हुआ है. ठीक, आप देख सकते हो, ये है कि आप बेसिकली इसको अपने बाइसिकल के हैंडल बार में लगाओ एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस ऑन इट, और वो सिग्नल्स देता है. तो इस पे पहले मैं एक थोड़ा सा फियर फैक्टर डाला हुआ है, 19,000 एक्सीडेंट्स, 75% ऑफ देम अकरिंग एट जंक्शंस एंड मेजर टर्न्स, एंड व्हेन यूजिंग टू सोर्ड
as a supporting visual aid, you increase the likelihood of being seen by drivers and other cyclists. Just so that you guys know, Netherlands or in Denmark are basically the number one markets in the whole world for bicycles. ठीक है और जर्मनी भी है और भी है जिसमें टॉप 10 में खास से यूएस भी आता है. बहरहाल तो आई एम प्रोमोटिंग दिस प्रोडक्ट. जैसे आप देख सकते हो ये पूरा वन प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है इसका. ठीक है फ्रांस एज वेल या यस फ्रांस एज वेल. ठीक है ठीक है तो ये हो गया. इसके थ्रू आप लोग काफी सारे वाव प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो एंड दैट्स इट. मैं अभी यहां पे इसको आज क्लोज करता हूं. मैं अब आप लोग के क्वेश्चंस देख रहा हूं. आई विल स्टार्ट आंसरिंग देम और गेट इन टच विद मी. मुझे इनबॉक्स करो, मुझे एक्सेल फाइल या जो भी ऑनलाइन डॉक है उसको शेयर करो. ठीक है और मैं उसको देख लूंगा. ठीक है या अच्छा सो अच्छा सो व्हेन वी यूज द टर्बो एंड टेक्निक आई गेट टू सी अ लॉट ऑफ एड्स बट मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू पाकिस्तानी सेलर्स लाइक जी. आई थिंक इमरान भाई मैंने आपका इसका सवाल का जवाब दिया था मैंने आपको या मे बी नहीं दिया था लेकिन मुझे याद पड़ा कि शायद मैंने इसका बताया था या मे बी मैंने आपको बोला था कि गेट इन टच विद मी. खैर बता देता हूँ आपको. द रीजन इज बिकॉज आपको यही टेक्निक एटलीस्ट 3 और बार एग्जीक्यूट करनी है. 3 से 4 बार ये चीज खत्म हो जाएगी. एक सेकेंड कॉल आ रही है मेरे पास. ईसी से कॉल आ रही है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. गाइस मैंने तुम लोग के क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं. सनी भाई ने मीटिंग कॉल करी अभी अभी. मुर्तजा की कॉल आई थी मेरे पास 5 मिनट के अंदर. सही है तो आई हैव टू रैप दिस अप. ठीक है 5 मिनट के अंदर मैं जितने क्वेश्चंस का सवाल दे सकता हूँ मैं देता हूँ. शहजाद आई रियली होप टू सी यू गाइज. मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, बैठ के बात करना चाहता हूँ लंबी तवील सब के अपने जो भी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करना चाहता हूँ. लेकिन बस वही बात है कि ये कोरोना वायरस की वजह से अभी हम मिल नहीं पा रहे. नहीं तो मैं तो खुद आई एम डेस्परेटली वेटिंग हम लोग एक सेशन लगाएं. इंशाल्लाह इस्लामाबाद और लाहौर भी आऊँगा. तो इसका जवाब दे दिया इमरान भाई आपको. 3 से 4 बार इस पूरे टेक्निक को रिपीट करना है. सही है. समटाइम्स व्हेन आई सी द एड शो शेयर लाइक 1000 पर नेक्स्ट टाइम व्हेन आई सी द एड सेम एड इट इज 50 शेयर्स. इट इज बिकॉज उस बंदे ने उस सेम एड के डिफरेंट वर्जन्स बना दिए हैं. ठीक है मतलब लेट्स सपोज 3 वर्जन्स वो डिफरेंट ऑडियंसेस को टारगेट कर रहे हैं. आप उन तीनों ऑडियंसेस में कॉमन है तो आप उसका एक पोस्ट देखते हैं जिसमें 1000 शेयर्स हुए होते हैं. नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसमें 50 शेयर्स हुए होते हैं. ठीक है मोहतशम यू सेड आइडियल 1000 इफ यू आर यू कैन फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट शी द सेम वी कैन से एवरी मैसेज ओके आई शुड बी एबल टू डू दिस बट आप प्रॉबेबली $500-$700 के साथ भी कर सकते हो. आप $1500 के साथ भी कर सकते हो. $5000 के साथ भी कर सकते हो. बात यह है कि इट डिपेंड्स कि आपकी टेक्निक बहुत एग्रेसिव है एंड आर यू ट्रीटिंग ड्रॉप शिपिंग एज योर सिंगल मोस्ट एंटिटी सोर्स ऑफ इनकम. इफ सो देन मैं बोलूंगा 5000. क्या आपके पास बैकअप पे $30,000 का बजट हो लेकिन आप मंथ ऑन मंथ $3,000 से $5,000 लगाओगे. ठीक है
आप समझते हो 500 से $1,500 वाली आपको टेक्निक जाननी है, मैं वो भी आप लोग को बताऊंगा। उस पर आप लोग को कम कम सेल्स आएंगी लेकिन आती रहेंगी कुछ ना कुछ। जो मैंने आपको बताया $500 वाला मुझे, वो उसके ऊपर फोकस करूंगा। वेयर कैन वी गेट द लेसन्स स्लाइड्स? गुड वन। स्लाइड्स मैंने प्रोवाइड कर दी आज ही मुर्तजा को, उसके पास आ चुकी हैं, वो अपलोड कर देगा। लेसन्स मुझे पता नहीं, बीबीसी में मुझे अभी एक्सेस दिया है, लेकिन मुझे अभी खुद एक्सेस दिया है लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी किसी ने बता रहा था कि शायद मेरा कोई लेसन है वो किसी और कैटेगरी में चला गया है बाय मिस्टेक क्या क्या। तो मैं अभी, मेरी मीटिंग होगी तो मैं अभी उस मीटिंग में भी ये बात बोल देता हूँ कि बीबीसी में डाल दे। इन द लास्ट वीडियो यू शोड सर्च मेथड व्हिच इज ओनली 2-3 मिनट्स, यू सेट द प्रोडक्ट इवैल्यूएट शीट, validation sheet I think you mean, but when dealing with client we will directly send it to him, right? नहीं, मुझे ये बात तुम्हारी समझ नहीं आई, ठीक है? रुको, बल्कि इनफैक्ट पता है यार, मुझे लगता है कि मुझे अभी ये रैप अप करना पड़ेगा बिकॉज सनी भाई का सेशन है, इसमें मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता, नहीं तो समझ ही सकते होगे आप लोग, ठीक है? आई विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे रख लो, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर हो तो मैं तुम लोग को कॉल कर लूंगा अगर मुझे समझ नहीं आया, ठीक है? मैं तुम लोग को ढूंढ लूंगा, मुझे मैसेज कर दो फेसबुक मैसेंजर पे, बात रखो मुझसे। मैंने आज भी बहुत सारे लोगों को जवाब दिया है, मेरे पास एक दिन में 100-100 मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं जिस तरह जिनको केटर कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। मुझे अभी रखना होगा, ठीक है सर? सीट परमिशन ऑन है सबको, मैंने सीट परमिशन दी हुई है यार, मैं फिर से दे रहा हूँ, रुको। ये लो, दे दिए, ओहो, ये लो, परमिशन के साथ है, एडिट कर सकते हो, जितने सवाल डालने डाल दो, मैं उसको अकॉर्डिंगली जवाब देता रहूंगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि अपने नेक्स्ट सेशन से पहले मैंने इन सारी चीजों का रिव्यू करूं, आप सबको इन चीजों का जवाब दूं और फिर आऊं। हो सकता है मैं अपना नेक्स्ट सेशन 15 मिनट पहले स्टार्ट कर दूं। चलो गाइस, आई एम ऑफ देन, क्योंकि ईसी वालों को ये सेशन लेना है मेरा, ठीक है? मैं इन चीजों का तुम लोग को जवाब दे दूंगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखना तुम लोग।